उम्मीद है कि आप सब ठीक ही रहेंगे। इस बार आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, 1G 2G 3G और 4G 5G। ये जो जी है क्या, अगर आपको नहीं पता चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आखिरकार ये जी है क्या। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम पांडे और आप देख रहे हैं ITG नेटवर्क। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि 1G के बारे में बात करते हैं, तो 1G जो है 1980 में आया। अब इसका फीचर्स के बारे में, तो इसमें जो फीचर्स थे वो बहुत अच्छे तो नहीं थे, फिर तभी बात करते हैं फीचर्स के। इसमें आपको 2.4 kbps की स्पीड मिलता था, जो बहुत ही कम है स्पीड है। और उसके बाद इसमें आपको वॉइस सिर्फ मतलब कि वॉइस कॉलिंग से मिलेगा, आप सिर्फ फ़ोन से बात ही कर सकते, SMS तो कर नहीं सकते थे इसमें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आई एनालॉग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, मतलब एनालॉग सिग्नल पे बेस्ड था। अब बात की जैसे खराबी की, तो इसमें जो बहुत बड़ा फ़ोन होता था, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी डिस्प्ले पे, क्या ये बहुत बकवास फ़ोन था और बहुत बड़ा था। और उसकी जो बैटरी बैकअप थी बहुत कम थी, मतलब कि 10 घंटे चार्ज करने के बाद सिर्फ 30 मिनट फ़ोन चलता था। तो ये बहुत बकवास गजब बेइज्जती है फ़ोन था। फिर उसमें इसमें एक और बुराई थी, जो इसकी वॉइस जो मतलब कि जो आप फ़ोन करते थे किसी को, तो फ़ोन को लगता था आवाज़ आता नहीं था कभी। उसके बाद फिर 10 सालों के बाद, मतलब 1990 में 2G आया, 1990 में 2G आया, इंटरनेट 2G आया। तो उसमें 2G में बहुत सारे सुधार हुए, जैसे कि पहले फर्स्ट टाइम पर 2G आया तो उसमें आपको 64 kbps की स्पीड मिलने लग गया। और इसमें आपको जो इसमें आपको इसमें नया एक चीज़ नया मिला, वो है आपको इसका इस कि आप कॉलिंग भी कर सकते थे और SMS भी कर सकते थे, कि जो आपको 1G में नहीं मिलता था। इसमें आपको कॉलिंग भी मिलेगा और SMS भी मिलेगा। और उसका जो स्पीड था वो 64 kbps था, तो 1G से थोड़ा ठीक ही था, पर ये उतना भी खास नहीं था 1G से। मतलब कि आज के ज़माने खुद आप देख सकते हैं। इसमें आप बात करें, इसमें सुधार हुआ जिसे का मतलब उसके बाद जब सुधार इसका किया गया, तो इसमें आप उसके बाद 2G में इंटरनेट आने लग गया। ठीक है, 1993 में जब 2G सुधार हुआ था, अब उसमें इंटरनेट चालू हुआ, उसमें बहुत सारे फ़ोन उसमें इंटरनेट। उसके बाद 2001 में आया 3G। 3G आने के बाद इसमें आपको मल्टीमीडिया मतलब इंटरनेट भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपके फ़ोन में मिलने लग गए, आपको कॉलिंग की फैसिलिटी मिलने लग गया इसमें। और जो इसकी स्पीड था 1 Mbps की स्पीड था, मतलब कि आप आराम से फोटोज अपलोड कर सकते थे इंटरनेट पे। और उसके बाद इसमें आप इसका जो फ़ोन था उसमें आपको बहुत सा मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम के प्राइस होने के कारण थोड़ा तो इंडिया में लेट हुआ। और इसमें आपको वॉइस का मिलने लगा, जो आप 1G में 2G और 3G में तीनों में है वॉइस का। फिर इसके बाद इसमें आपको SMS के 2G और 2G में SMS था, 3G में भी SMS आ गया। फिर उसके बाद इंटरनेट, जो इंटरनेट है मल्टीमीडिया सपोर्ट, आपको 3G से चालू, मतलब कि जो आज YouTube पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो आपको 3G से मतलब कि 3G थर्ड जनरेशन से इंटरनेट का सुविधा सबको मिलने लग गया। उसके बाद बात 2011 में आया 4G। 4G जब आया तो उसका AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ, मतलब गूगल असिस्टेंट आपको मालूम है क्या, आप गूगल असिस्टेंट। फिर इसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, जैसे कि इसमें आप 4G में आपको इंटरनेट मिलने लग गया, वो भी 100 Mbps की स्पीड से, जो बहुत अच्छा है। कोई भी आप घंटों का मूवी कुछ घंटों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वही 3G में आपको कुछ घंटों का मतलब 3 घंटे का पिक्चर आप एक दो दिन में डाउनलोड होता था, वही 4G में आपको वो बस कुछ ही घंटों में डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद बात किया, ठीक अभी 2021 में 5G आ चुका है, अभी इंडिया में आना 2022 तक है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जैसे कि 4G में आपको इंटरनेट 100 Mbps की स्पीड मिलने लगा, जो बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको वॉइस कॉलिंग आपको मिलने लग गया।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एसएमएस मिलने लगा और जो इंटरनेट की स्पीड था इसमें सबसे ज्यादा था, और इसमें भी खराबी था जो आपको जो बात करते थे कॉलिंग करते थे वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा होता था, जिसके कारण जो कभी कभी फोन लोग करते थे तो आवाज आता नहीं था। तब टेलीकॉम सेक्टर ने सोचा इसको मतलब जब डेटा के साथ वॉइस को अगर भेज दिया जाए तो वॉइस अच्छा आएगा, तो इसके लिए वो वॉइस प्लस LTE डाल दिया, लॉन्ग टाइम इनोवेशन का। उसके बाद इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार। अभी 2021 में आया 5G, 5G अब जैसे आया है उसमें इंडिया में जो 5G वो 2022 तक आ जाएगा इंडिया में। और बात करें इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, तो इसमें आपको कॉलिंग की फैसिलिटी मिलेगी, SMS का फैसिलिटी मिलेगा, और इंटरनेट की जो स्पीड है 1 GBPS, मतलब कि अगर कुछ 3 घंटे का पिक्चर है तो 1 सेकेंड में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगा, अगर आप कहीं पे रहे आपका जो आप अपने घर पे नहीं है, आपके घर में 5G टेक्नोलॉजी मतलब कि आपकी TV में, आपकी फ्रिज में, आपकी इन्वर्टर में आपका 5G टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, तो आप 5G टेक्नोलॉजी के जैसे कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं, आप मुंबई में चला गए, आपके घर में आपका जो इन्वर्टर ऑन है, फ्रिज ऑन है, तो आप अपने फ़ोन से ही उसको बंद कर सकते हैं, वो भी कैसे 5G टेक्नोलॉजी के यूज़ से। और उसके बाद इसमें आपको 5G टेक्नोलॉजी में आपको सेल्फ ड्राइविंग कार मिलेगा, मतलब कि आप ड्राइवर गाड़ी में ड्राइवर नहीं रहेगा तो भी गाड़ी चलते रहेगा, ये सेल्फ ड्राइविंग कार आ गए। इसमें 5G में एक्सीडेंट होने के काम चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसके बाद अब बात किया जाए इसमें कि जिस टॉपिक पर आपको बोल रहा था कि जो इंटरनेट है वो आपको पूरा तरीके से 100% वायरलेस नहीं है, 85% वायर है पूरा, अब जो 15% है वो पूरा वायरलेस है। तो वो कैसे बताता हूँ, जैसे कि आप अगर समझिए आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, नहीं तो आप मेरे फोन मैं YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपके अगर आप फ़ोन से देख रहे हैं तो आपके फ़ोन में तो वायर तो लगा नहीं है, या आपके ना जैसे आपको कोई भी सिम यूज़ करते हो, कोई भी सिम आप यूज़ करते हो, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, रुको जरा सबर करो, कोई भी सिम आप यूज़ करते हो उससे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो नज़दीकी टावर रहेगा उस टावर में आपको एक आपका जो नज़दीकी टावर रहेगा उसमें आपका डेटा जाता रहेगा, फिर वहाँ से आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है मोबाइल स्विचिंग सेंटर वहाँ पे आपका डेटा जाए, आप किसी कॉलिंग कर रहे हैं, समझिए कि आप मुंबई में हैं और आप बिहार में किसी को कॉल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से कॉल करेंगे तो आपका जो नज़दीकी टावर रहेगा आपको नज़दीकी टावर जाएगा, फिर वहाँ से वो टावर में से फिर ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा वो ज़मीन में जाएगा, ज़मीन से फिर वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर में जाएगा, और फिर वो स्विचिंग सेंटर जो आप भेजेगा कि आप बिहार में किसी को लगा भेजना है तो बिहार के स्विचिंग सेंटर को भेजेगा, फिर वहाँ से आप जो है वो टावर में जाएगा, फिर टावर आपको ढूंढेगा, फिर आपके कॉलिंग लगता है, उसमें आपको सिर्फ कुछ ही सेकेंडों का टाइम लगता है, मतलब एकदम लाइट की स्पीड से ये चलता है। और इसके बाद इसमें जो है इसमें आप अगर लाइट्स की स्पीड से आप बोलते हैं लाइट्स की स्पीड से कुछ तो आप जो जैसे कि आप फोन लगाते हैं उस टाइम पे टिक 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 कर बोलता रहता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, उसके द्वारा ही आपका फोन जो है कनेक्ट हो जाता है। और इंटरनेट की बात किया जाए तो इंटरनेट जो है वो समुंदर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा बिछाए हुआ पूरे वर्ल्ड भर में, और सिंगापुर उसका जंक्शन है, मेन जंक्शन है सिंगापुर, जहाँ पूरी दुनिया का ऑप्टिकल फाइबर वहाँ पर बिछा हुआ है। और अभी कुछ ही दिन पहले आपने न्यूज़ में सुने होंगे कि हाँ अंडोबार और निकोबार में भी ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, मतलब इंडिया से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल मिलते हैं अगले वीडियो में आप।